ओके तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सिंपल मीडिया और इनरिच्ड मीडिया को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनरिच्ड मीडिया सेलेक्टिव मीडिया डिफरेंशियल मीडिया ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया तो थर्ड है इनरिचमेंट मीडिया इनरिचमेंट मीडिया को हम इनरिचमेंट ग्रोथ भी बोलते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इनरिच्ड मीडिया तो इनरिच मीडिया जो था वो सॉलिड मीडिया था लेकिन इनरिचमेंट मीडिया जो होता है ये लिक्विड मीडिया होता है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो लिक्विड होती है ठीक है तो दे आर लिक्विड मीडिया एडिट सम इनिबिट्री सबस्टांस विच सेलेक्टिवली अलाउ सटिन बैक्टीरिया टू ग्रो एंड इनिबिट अदर्स तो इनरिचमेंट मीडिया एक लिक्विड मीडिया होता है और इसमें कुछ इनिबिटरी सब्सटेंस कंटेन होते हैं जो सेलेक्टिवली अलाउ करते हैं कि कुछ ही बैक्टीरिया ग्रो हो और बाकी सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनिबिट कर देता है उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है तो इस तरीके की मीडिया का हम कहाँ यूज़ करते हैं तो बेसिकली जिन क्लिनिकल सैम्पल्स में पैथोजेंस के साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा भी कंटेन होते हैं तो उस तरीके के स्पेसिमेन के लिए हम कि मीडिया जो है यूज़ करते हैं जैसे स्पूटम और जो स्टूल के सैम्पल्स होते हैं उनमें पैथोजेंस के साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो अगर हम उनको ग्रो कराएंगे, तो पैथोजेंस के साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा भी जो होंगे वो भी ग्रो करेंगे तो इससे हमें पैथोजन को आइसोलेट करने में डिफ़िकल्टी होगी तो इसीलिए हम इनरिचमेंट मीडिया में ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जो पैथोजन बैक्टीरिया को मतलब ग्रो करने देगा और जो अनवांटेड बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस सैंपल में जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है उस सैंपल में उनकी ग्रोथ को वो रोक देगा उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा तो इनरिचमेंट मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टेटरा थियोनिट ग्रोथ तो बेसिकली सालमोनीला टाइफी एंड पैराटाइफी को आइसोलेट करने के लिए हम टेटरा थियोनिट ग्रोथ का यूज़ करते हैं और जो टैटरा थूनिट ग्रोथ है वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया गट में प्रजेंट है उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है और जो सैंपल में सालमोनीला टाइफी और जो पैराटाइफी अगर प्रेजेंट है तो उनकी ग्रोथ को ही ये अलाउ करता है बाकी जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलेनाइट एफ ब्रोथ यहाँ पे एफ़ स्टैंड फॉर फीसिस तो बेसिकली फीसिस के सैम्पल में स्टूल के सैम्पल में सालगुनीला एंड शिगीला को आइसोलेट करने के लिए हम सेलेनाइट एफ ग्रोथ का यूज़ करते हैं यहाँ पे जो सेलेनाइट है वो सिर्फ सालगनीला एंड शिगेला की ग्रोथ को ही अलाउ करता है कि वो ग्रो करें और जो सैम्पल में बाकी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो अनवॉन्टिड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को सेलेनाइट जो है वो रोक देता है नेक्स्ट है अल्कलाइन पैप्टून वाटर तो अल्कलाइन पैप्टन वाटर इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कॉलरा फ्रॉम फीकल पैसीमेंट तो बेसिकली स्टूल के सैंपल में से कॉलरा बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम अल्कलाइन पैप्टुन वाटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे जो पैप्टून वाटर का पी होता है वो अल्कलाइन होता है और जो कॉलरा है वो अल्कलाइन पी पे बड़े अच्छे से ग्रो करता है तो इसलिए विब्र्यो कॉलरा को आइसोलेट करने के लिए हम अल्कलाइन पैप्टुन वाटर का यूज़ करते हैं तो ये थे इनरिच मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट है सेलेक्टिव मीडिया दे आर सॉलिड मीडिया कंटेनिंग इनिबेटरी सबस्टानस दैट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा प्रजेंट इन स्पेसिमेन एंड अलाउ टू पैथोजेंस टू ग्रो तो हमने पढ़ा कि जो सेलेक्टिव मीडिया होता है वो एक सॉलिड मीडिया होता है ठीक है और इसमें कुछ इनिबिटरी सबस्टानस कंटेन होते हैं जो सैंपल में प्रेजेंट जो नॉर्मल नॉर्मल फ्लोरा है जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को वो रोक देता है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है सैंपल में उनकी ग्रोथ को वो अलाउ करता है और वो इनहिबिटरी सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं डाइज हो सकते हैं केमिकल्स एंटीबायोटिक्स कुछ भी हो सकते हैं तो एक तरीके से हम सेलेक्टिव मीडिया में सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कराना है तो यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो इनरिचमेंट मीडिया है और जो सेलेक्टिव मीडिया है दोनों ही अनवॉन्टेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको ग्रो करा रहे हैं ठीक है यानी कि दोनों का जो पर्पस है वो सेम है लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो इनरिचमेंट मीडिया है वो एक लिक्विड मीडिया है और जो सेलेक्टिव मीडिया है वो एक सॉलिड मीडिया है यानी कि ये या आपको प्लेट में मिलेगा सॉलिड के फॉर्म में तो ये कुछ सेलेक्टिव मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ़र्स्ट है डिऑक्सिकोलेट सिट्रेट अगार जिसको हम डी सी ए भी बोलते हैं तो हम इसको बेसिकली स्टूल के सैम्पल में से सालमोनीला एंड शिगेला को आइसोलेट करने के लिए डी सी ए का यूज़ करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायर मार्टिन मीडियम इस मीडियम का यूज़ बेसिकली हम नाइजीरिया गनोरिया को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं इस मीडियम में कुछ इनिवेटरी सब्सटेंस कंटेन होते हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में और वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को फंगस को और जो अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को जो है रोक देती है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देती हैं और जो सिर्फ़ नाइजीरिया गनोरिया बैक्टीरिया है उनकी ही ग्रोथ को अलाउ करती है कि वो ग्रो हो इसके बाद बाइल सॉल्ट अगार है ये भी एक सेलेक्टिव मीडिया है और इसको जो है हम विप्रिय कॉलरा को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसके बाद लॉन्ग जेंशन मीडियम है और इसको हम बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकलॉसिस को कल्टिवेट कराने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट है मैकोंकिगार ये भी जो है ये भी एक सेलेक्टिव मीडिया है इसमें जो है बेसिकली बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉलेट जो है कंटेन होता है ठीक है जो एक इनिबिटरी सबस्टांस है और ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है और सिर्फ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उन्हीं की ग्रोथ को अलाउ करता है स्पेशली जो एंटोबैक्टीरियस फैमिली से बिलोंग करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडिया डिफरेंशियल मीडिया को हम इंडिकेटर मीडिया भी बोलते हैं अब डिफरेंशियल मीडिया नाम से पता लग रहा है कि ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है तो इस डिफरेंशियल मीडिया में ऐसे सब्सटेंस कंटेन होते हैं जो हेल्प करते हैं टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक्स uh, को डिफ्रेंशिएट करने में मतलब उनके करेक्टरिस्टिक्स uh, में क्या अंतर है उसको ये मीडिया जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है और किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लेक्टोज फर्मेंटर्स ये जो लैक्टोज है ये एक शुगर है तो कुछ बैक्टीरिया लेक्टोज को फर्मेंट करेंगे कुछ बैक्टीरिया लेक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे तो हम अपनी लेबोरेटरी में मोस्ट कॉमनली मैकोंग के को एज अ डिफरेंशियल मीडिया यूज़ करते हैं अगर हम मैकोंग के आघार के कॉम्पोजिशंस की बात करें कि इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स uh, जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं तो फर्स्ट है पैप्टोन पैप्टोन प्रेजेंट रहता है मैकोंग के में जो बैक्टीरिया को प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा फिर इसमें अघार प्रेजेंट है जो मैकोंग के को सॉलिड बनाएगा और लैक्टोज है लैक्टोज जो है वो एक शुगर होती है इसमें न्यूट्रल रेड भी प्रेजेंट है जो एक पीएच इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा फिर इसमें बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉलेट भी प्रेजेंट रहता है एज अ एनिबिट्री सब्सटांस तो जो मेकोंकी आकार होता है वो एक सेलेक्टिव मीडिया भी होता है और एक डिफ्रेंशियल मीडिया भी होता है तो सेलेक्टिव मीडिया कैसे होता है अभी हमने पढ़ा था मैकोंकी आकार के कॉम्पोजिशन में कि इसमें बाइल सॉल्ट्स और क्रिस्टल वॉलेट जो है वो प्रजेंट रहता है एज एनीबिटरी सब्सटांस तो ये जो बाइल सॉल्ट्स और जो क्रिस्टल वॉलेट है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनिबिट करता है उनकी ग्रोथ को रोकता है तो मैकोंकी मैकोंगीार में बस जो ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया होते हैं वही ग्रो कर पाते हैं एंट्रिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली वही बैक्टीरिया मैकोंकी अगार पे ग्रो करते हैं क्योंकि इन बैक्टीरिया के पास इनके पास जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो बाइल रेसिस्टेंट होती है मतलब वो बाइल सॉल्ट को टॉलरेट कर लेती है इसलिए वो जो है मैकोंकी आघार पर ग्रो कर जाते हैं लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बाइल सॉल्ट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते इसलिए वो ग्रो नहीं करते तो मैकॉंग के आघार में बेसिकली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो होते हैं वही ग्रो करते हैं स्पेशली जो एंट्रो बैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन अब जो है मैकॉन् की आगार में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी गई हैं मतलब मैकोंग के अगार को लेस सेलेक्टिव बना दिया गया है मतलब उसमें से बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉलेट को हटा दिया गया है तो इसकी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो स्टफाइलोकोकस बैक्टीरिया है जो एंट्रोकोकस बैक्टीरिया है वो भी मैकॉन् के आगार पर ग्रो कर जाते हैं तो सेकंड है मैकोंगी अगार इज़ अ डिफरेंशियल मीडिया कैसे अभी हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा था मैकोंगी आगार के कि यहाँ पे जो है लेकटोज़ जो एक शुगर है वो भी प्रेजेंट है और न्यूट्रल रेड प्रेजेंट है तो ये दोनों ही चीज़ें बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं कैसे आइए देखते हैं तो अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लैक्टोज़ को फर्मेंट करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लेक्टोज़ को फर्मेंट नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं वो मैकोंग की में एसिड का प्रोडक्शन करेंगे ठीक है तो अब इस मैकॉन्ग की में न्यूट्रल रेड भी प्रेजेंट है जो एक पीएच इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड का प्रोडक्शन करेगा तो ये जो न्यूट्रल रेड है जिसका पीएच अभी न्यूट्रल था उसका पीएच अब डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि मैकॉन्की के में, में एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो पीएच डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूट्रल रेड है उसका कलर अब रेड से पिंक कलर का हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया लेक्टोज़ को फर्मेंट करते हैं उनकी कॉलोनी जो है हमें मकॉ के अगार में पिंक कलर की दिखती है क्योंकि वो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरी तरफ अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं वो कोई भी एसिड का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एसिड का प्रोडक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है पीएच जो है अल्कलाइन होने की वजह से जो न्यूट्रल रेड है वो येलो कलर का हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया लेक्टोज़ को फर्मेंट करते हैं लेक्टोज को यूज़ करते हैं उनकी कॉलोनी जो है वो हमें मकोंग के पे पिंक कलर की दिखेगी और जो बैक्टीरिया लेक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं लेक्टोज को यूज़ नहीं करते हैं उनकी कॉलोनी हमें मकोंग के में येलो कलर की दिखेगी या फिर वो कलरलेस होगी यहाँ पे कुछ लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं जैसे कि जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं वो है ई कोलाई सिट्रोबैक्टर एंड्रोबेक्टर एंड विब्रोकॉलरा तो यहाँ पे जो ई कोलाई एंड क्लेप्सिला है ये स्ट्रॉन्गली लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं वहीं जो एंट्रोबैक्टर सिट्रोबैक्टर और जो विब्र्यूकॉलरा है ये लैक्टोज को बहुत स्लोली और लेट फर्मेंट करते हैं इसलिए ये लेट लैक्टोज फरमेंटस बैक्टीरिया होते हैं अब जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है यानी कि जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं वो है साल्मोनेला शिगेला शिडोमोनास एरोजिनोसा एंड प्रोटियस तो नेक्स्ट जो मीडिया है वो है ट्रांसपोर्ट मीडिया अब ट्रांसपोर्ट मीडिया नाम से पता लग रहा है कि इस मीडिया में हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जब हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वो जो सैंपल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है जैसे कि एक लैब से या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में तो इस दौरान उस सैंपल में प्रेजेंट कुछ डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरीके का इन्वायरमेंट चेंजेस पीएच चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है तो उन डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाए रखने के लिए हम उनको जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल देते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबल इन्वायरमेंट सूटेबल पीएच प्रोवाइड कराता है जिससे उनकी डेथ नहीं होती है तो जब हमें कभी भी लेट हो रहा हो कभी डिले हो रही हो पहुंचने में तो वो जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया में जो है ज़िंदा रहे उनकी डेथ ना हो और जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है वो सैंपल को ड्राई होने से भी बचाता है ठीक है और जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसमें कभी भी बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा अभी तक हमने जितने भी मीडिया पढ़े उन सभी में बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट मीडिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीडिया में कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं ठीक है इसमें सिर्फ इतने ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट मीडिया में बैक्टीरिया कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करता वो सिर्फ जो है वो ज़िंदा रहता है अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ये भी काफ़ी जो है डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत नाजुक होता है तो इसको जो है हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइक्स मीडियम का यूज़ करते हैं नेक्स्ट जो है वो है नाइजीरिया नाइजीरिया भी काफ़ी डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इसको भी कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है तो इसको हम अमीज़ और स्टॉर्च मीडियम में जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं नेक्स्ट जो है वो है कॉलरा विब्रियो कॉलरा भी काफ़ी जो है डेलिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो इसको जो है हम बेसिकली वेंकट रामा कृष्णन मीडियम में और कैरी ब्लर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो सालमोनी एंड शिगेला बैक्टीरिया है इसको भी हम कैरी ब्लर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लास्ट मीडिया है एनरोबिक मीडिया तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अगर हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं ग्रो करने के लिए तो वो ग्रो नहीं करेंगे उनकी डेथ हो जाएगी तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एनेरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं और एनेरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें उन्हें एनेरोबिक मीडिया प्रोवाइड कराना होता है और यहाँ पे एनेरोबिक मीडिया को प्रिपेयर करते वक्त उसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट है उसे रिड्यूस करना होता है और जो भी ऑक्सीजन उस मीडिया में प्रेजेंट है उसको हमें रिमूव करना होता है ताकि अनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके अब यहाँ पे एनारोबिक मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम इसको हम कोलेस्ट्रेडियम बैक्टीरिया की स्पीशीज़ को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं फिर नेक्स्ट है थियोग्लैकुलट ग्रोथ ये जो है ये एक एनारोबिक मीडिया होने के साथ साथ एक एक डिफरेंशियल मीडिया भी है क्योंकि ये ऑब्लिकेट एरोब्स ऑब्लिकेट एनारोब्स फैकल्टीटिव एनारोब्स और एरोटॉलरेंट एनारोब्स को डिफ्रेंशिएट करता है तो अब हम कल्चर मीडिया के क्लासिफिकेशन को कवर कर चुके हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू